तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी नहीं है तो जाके देख सकते हो कि मेरे दो सब्सक्राइबर को जो कि नॉन आईटी से थे उन्हें क्या बोलते हैं ओवल यानी कि ऑफर लेटर जनरेट हो गया। ठीक है, अगर नहीं देखी ये वीडियो तो जाके देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना कि इस वीडियो में ना जो मतलब कि जो मैंने आज सुबह 8 बजे अपलोड की थी इसी से रिलेटेड थी कि दो सब्सक्राइबर को ऑफर लेटर जनरेट हुए हैं, तो उसी पे काफी लोगों ने मतलब कमेंट्स वगैरह किए कि सीएससी वालों को कब मिलेगा, मतलब कि आईटी वालों को सीएस वालों को कब मिलेगा, अभी तक तो आया नहीं है। तो ये तो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कि यार लोग वीडियो काफी देखते हैं पर ना ही लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना बेल आइकन, तो बड़ी दूर की बात है। तो ऐसा मत करो, वीडियो बनाना काफी मेहनत लगती है, एडिट करना बनाना और ये पावर पॉइंट जो चल रहा है इसे ही बनाना तो काफी टाइम लगता है, तो ऐसा मत करो। तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा पुराना ही पार्ट है, फिर भी एक बार मैं फिर से दिखाता हूं। देख लो, ये था कल का जो कि डेट थी जो ओवल की 28th और सेकंड वाले में भी 28th। तो इसके बाद भी आई थिंक 3-4 लोगों ने और किया था कमेंट, उनका भी सेम ही था। और आज की जो वीडियो है ना हमारी ये है कि इवन सीएससी स्टूडेंट्स ऑल्सो गेटिंग देयर रिजल्ट्स प्रूफ इन दिस वीडियो। तो इसमें ना यही बताया कि काफी लोग जो सीएससी से हैं उनको भी ऑफर लेटर जनरेट हो रहा है, तो ऑफर लेटर जनरेट हो रहा है और उससे रिलेटेड मेरे जो चैनल पे है 3-4 लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए। जब तक ये वीडियो शूट हो रही थी तो 4 लोगों ने कमेंट्स किए थे, और जब तक मैंने शूट कर दिया उसके बाद 3-4 लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए थे कि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था फिर भी मुझे क्या बोलते हैं ऑफर लेटर नहीं रिजेक्शन मेल आया। ठीक है ना, तो ऐसे डरने की बात नहीं है, ये बहुत ही रेयर केस में ये होता है कि रिजेक्शन मेल आए, अगर क्योंकि बहुत ही रेयर अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो गया हो। पर चलो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ है शिव पुंडीर करके, तो माय इंटरव्यू वाज गुड बट इन्फोसिस सेंड मी रिग्रेट ईमेल इन मॉर्निंग, सीएस स्टूडेंट्स नॉट सिलेक्टेड बट अदर ब्रांच गॉट ऑफर लेटर। पता नहीं इन्फोसिस क्या करता है यार, देख सकते हो भाई डेस्परेट हो चुका है, क्योंकि उसने भाई ने यही बोला कि इंटरव्यू हमारा बहुत अच्छा गया था फिर भी। और एक भाई ने, ये दोनों के तो फ्रेंड है, तो उन्होंने बताया। और देख लो, और सभी को ना ये 17 तारीख और ये 16 तारीख और ये भाई का भी आज, मतलब ये आज 28 तारीख, तो मान लो इनका भी यही 15-16-17 के बीच का इंटरव्यू है और तीनों सीएस के ही है। ठीक है, और तीनों का जो इंटरव्यू का जो टाइम है ना, टाइम मतलब डेट 15-16-17 की है। ठीक है, तो इसे समझ सकते हो कि अभी 8-9-10 का जो 6-7-8-9-10 दिन का भी हुआ था ना इंटरव्यू, उनका रिजल्ट जो सीएस वाले अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं ना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन जो तीनों कॉमेंट्स थे इनमें सिमिलैरिटी क्या क्या है। जो सिमिलैरिटी है यही कि उनका इंटरव्यू है जो 10 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 18 फरवरी के बीच हुआ है और सारे के सारे सीएस ब्रांच से है, पर उनका बैच स्पेसिफाइड नहीं है कि 19 है, ठीक है, कि 20 है, कि 21 है, ठीक है, और 22 वालों का तो अभी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ 19, 20, 21 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही है तीनों की सिमिलरिटी, यही है तीनों का जो इंटरव्यू की जो डेट थी ना 10 फरवरी से लेकर 18-19 फरवरी के बीच की है, और तीनों सीएससी से हैं और बैच मान लो 19, 20, 21 का ही हुआ, क्योंकि 22 वालों को अभी तक किसी को भी आई थिंक चाहे क्या बोलते हैं आईटी से हो चाहे नॉन आईटी से अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है। तो अब बात रही रिजल्ट आखिर कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, तो जैसे मैंने पहले भी काफी वीडियो में मैंने ऐसे बताया हुआ है पर फिर भी लोग सेम कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो मैंने बोला चलो एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, अगर आपके बैचेस है ना 90, 20 और 21, तो इनके जो बैचेस के रिजल्ट हर दिन आ रहे हैं, चाहे वो नॉन आईटी से हो चाहे आईटी से हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा जरूर। पर जो, और हाँ, इंटरव्यू जैसे कि मान लो अगर 9 तारीख को आपका इंटरव्यू हो गया है 9 फरवरी को, तो 90% लोगों को है ना 9-1 महीने के अंदर ईमेल के थ्रू ही आता है। तो ठीक है ना, ये पहले ये बात क्लियर करते, ईमेल के थ्रू ही आपको आएगा, आपके इन्फोसिस करियर पोर्टल पर ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, और उस पर ज्यादा डिपेंड भी नहीं होना है, 1 महीने के अंदर आपको 100% कुछ ना कुछ आएगा, चाहे वो अगर सिलेक्शन मिलो चाहे वो रिजेक्शन मिलो, पर आएगा जरूर 1 महीने के अंदर, अगर नहीं आता है। ठीक है ना, 90% लोगों को ये आ जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अगर नहीं आता है तो जैसे कि कितने कितने केसेस में आपने देखा हो, केसेस वगैरह में कि 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद, तो ये ना सिर्फ 1% लोग ही होते हैं जिनको ऐसा मिलता है। ये नहीं कि आपका नहीं हुआ तो यार मैं 2.5 महीने वेट करता हूँ क्या पता मेरे फेवर में, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 1 महीने के अंदर आ ही जाएगा अगर। और बात रही नहीं आया तो 1% जो चांस होता है ना
वो होता है कि 2 से 2.5 या 3 महीने तो बहुत रेयर ही रहता है कि आपका इंटरव्यू आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। ये वाला हमारा क्लियर हो गया कि 1 by 1 19 20 21 बैच उस वाले को मिलने हैं, और ये वाला भी क्लियर होगा कि 1 महीने। और बाकी मैंने पहले बताया कि रिजल्ट है ना हमेशा जो ईमेल के थ्रू ही होगा, ऐसा नहीं कि आप अपनी क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड हो जाओ कि नहीं यार मेरा इस पर चेंज नहीं हुआ है, लोगों का प्रोग्रेस में आ गया, मेरा प्रोसेस में ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऑफर लेटर आपको मिल भी जाता है ना तब भी वहां पर ऐसा कुछ चेंज आता नहीं इन्फोसिस के। और अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि व्हाट अबाउट 2020 बैच। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग इमीडिएट ज्वाइनर नहीं हो तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। और बात रही रिजल्ट्स की ना, मैं जितना मैंने देखा है और क्वेरा वगैरह लिंक्डइन काफी यूट्यूब पे भी काफी सर्च किया है, जो फेब का जो रिजल्ट है ना मोस्टली मार्च के मिड तक हर एक को मिल जाएगा, चाहे जो मर्जी हो, चाहे सिलेक्शन रिजेक्शन। तो बाकी आपका भी होगा 22 वालों बैच का भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो इमीडिएट ज्वाइनर है ना उनको ही मिल रहा है। और एक और क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आई थिंक मिस कर दिया कि ये जो बैच वाइज है क्या सीन है, मतलब कि जो नॉन आईटी वाले को ज्यादा मिला है, तो आपको पता है कि नॉन आईटी वाले को ट्रेनिंग ज्यादा होती है, इनको क्या बोलते हैं जनरिक ट्रेनिंग और स्ट्रीम ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होती है। जनरिक नहीं, स्ट्रीम ट्रेनिंग ज्यादा जरूरत होगी, और डिपेंड करता है ना कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। और काफी मास हायरिंग है तो वेट तो करना ही पड़ेगा, यही। और ये सारी लाइनें मैंने पिछली वीडियो काफी वीडियो बोला पर लोग नहीं मानते हैं, बार बार सेम करते हैं कि मेरा इंटरव्यू इस दिन हुआ था, अभी तक जॉब का कोई अपडेट नहीं है, क्या बोलते हैं एप्लीकेशन कोई अपडेट नहीं है, रिजेक्शन सिलेक्शन। तो यार वेट कर लो, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होता है वहां से 1 महीने, और 1 महीने चलो 1 हफ्ता ज्यादा भी कर सकते हो, बाकी नहीं होता है तो 90% तो यार इसके बीच आ जाता है। अगर नहीं आता तो आप अपने आप को रिजेक्ट कैंडिडेट समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा भी खुद 9 फरवरी को हुआ है और आज है 1 मार्च, मतलब कि 1-2 वीक मैं यहाँ से वेट करूंगा, उसके बाद मैं अपने आप को समझ सकता हूँ यार रिजेक्ट ही हूँ मैं, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया 1% चांस होता है कि आपको 2-2.5 महीने तक आपको क्या बता ऑफर लेटर जनरेट हो, ठीक है, ये बात होगी। और बात जैसे मैंने यही पहले ही बताई कि किसी का प्रोसेस है, किसी का प्रोग्रेस है, ठीक है ना, और किसी का तो आता ही नहीं है, दिखाई नहीं रहे, तो इसमें यार ऐसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि जब भी आप इनको मेल करोगे ना तो सेम ऑटो जनरेटेड मेल आपको रिप्लाई मिलेगा, कि जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगी ना आप ईमेल के थ्रू ही होगी, अगर नहीं, अगर आप किसी कॉलेज के थ्रू कर रहे हो तो आपको टीपीओ के रिगार्डिंग मिलेगी। तो इसी में यही है कि ज्यादा आपको डिपेंड नहीं रहना आप क्या बोलते हैं उस इन्फोसिस इन्फी वाले पे कि हाँ यार एनपी के पोर्टल पे हम डिपेंड करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा प्रोसेस प्रोग्रेस चेंज हुआ 1-2 में मुझे रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैंने हर बार यही बोला कि ऐसा नहीं है, हाँ जो भी कम्युनिकेशन होगी ना आपके ईमेल के थ्रू ही होगी। तो मैंने इसमें कवर कर दिया है कि सीएस वाले को भी मिलना स्टार्ट हो गया है, चाहे रिजेक्शन ही है पर मिल रहा है ना, तो ऐसे नहीं है जैसे मैंने पहले ही बोला, हर बार बोला हूँ 1 महीना वेट कर लो जब जिस दिन आपका इंटरव्यू हो वहां से। तो बस जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन थे उनका भी मैंने रिप्लाई कर ही दिया, ठीक है, रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, और ये सीएससी वाला और क्या बोलते हैं इन्फोसिस पोर्टल वाला। तो बस फिर अगर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बोला अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन दबा देना धड़धड़ धड़धड़ धड़धड़, सब्सक्राइब वाला लाल से आप ग्रे में कन्वर्ट कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। Thank you so much for watching.